हेलो स्टूडेंट्स हाउ आई यू आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर विच नेम इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वर्धन एम्पायर ठीक है वर्धना एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा थैंक दैट बिलोंग टू वर्धनाज एम्पायर ओके बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो सम इम्पोर्टेंट टर्म लाइक सुजरेंट दैट इज ओवर लॉर्डशिप महायान the reformed Buddhist faith in which buddhish began to be worshipped as a god after the decline of gupta empire india disintegrated into a number of small kingdoms. gupta empire ke baad india jo hai wo chote chote kingdom may disintegrate ho gaya. it happened so because of the growing tendency of decentralization of power and the feelings of regionalism प्रोविनेंस uh, जो है उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था ये मेरा रीज़न है ये मेरा रीजन है इसलिए जो था इंडिया जो है छोटे छोटे किंगडम में डिसइंटीग्रेट हो गया द वर्धना रूलर्स ऑफ थानेश्वर द चोलक्याज ऑफ वतापी एंड द पल्लवाज ऑफ कांची गेंद प्रोमिनेंस और उस टाइम ये तीन रूलर जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर सामने आए एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू लिटरेचर रिलीजन एंड आर्किटेक्चर तो फर्स्ट हम रीड करेंगे वर्धनास के बारे में वर्धनास के बारे में प्रभाकर वर्धना हु रूल्ड ओवर थानेश्वर Thaneshwar near Krukshetar in modern Haryana was founder of the Vardhana dynasty. After his death, his elder son Raja, Raja Yavardhan ascended the throne in 605 AD. He was murdered by Shashank, the ruler of Bengal. Now Harshvardhan. आफ्टर द डैथ ऑफ राज्यवर्धन हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धन असेंडेड दट द टेंडर एज ऑफ सिक्सटीन एन सिक्स जीरो सिक्स ए डी ठीक है राज्यवर्धन के डेथ के बाद उनका छोटा भाई जो सोलह साल का था उस टाइम वो राजा बनता है ही यूनाइटेड द किंगडम ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज एंड ऑल्सो मूवड हिज कैपिटल फ्रॉम थानाश्वर टू कन्नौज विच हैड टू जियोग्राफिकल एडवांटेज और उसके बाद उन्होंने क्या किया था थानेश्वर और कन्नौज को कम्बाइन किया ठीक है और कैपिटल को थानेश्वर बजाय कन्नौज को कैपिटल बनाया क्यों बनाया इसके दो कारण थे फर्स्ट कन्नौज वॉज सेंट्रली लोकेटेड विच इनेबल्ड बेटर सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कन्नौज जो था वो उसकी लोकेशन सेंटर लोकेशन थी तो उसको सबको सुपरवाइज करना और सबको एडमिनिस्टर करना काफी ईजी हो गया था कन्नौज से सेकेंड अनलाइक थानाश्वर इट वॉज नॉट वेरी क्लोज टू द वनरेबल बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट और बॉर्डर से ये कन्नौज जो है वो काफ़ी दूर था थानाश्वर काफ़ी पास था ठीक है नाउ हर्श रूल फॉर फोर्टी वन ईयर्स एंड वो सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग अ माइटी एम्पायर हर्षवर्धन ने फोर्टी वन ईयर तक रूल किया और एक काफ़ी अच्छा एम्पायर भी सामने लाए ठीक है सक्सेसफुल माइटी एंपायर एस्टैब्लिश किया हिज एंपायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर इन द साउथ एंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट इन द फर्स्ट सिक्स ईयर ऑफ ए रीजन ही कैरिड आउट मिलिट्री कैंपियंस अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम शुरू के छः सालों तक वो मिलिट्री कैंपियन करते रहे थे अपने आस पास के किंगडम्स पर ही वॉज रिकोगग्नाइज एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द नॉर्थ और नॉर्थ का सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर के रूप में इनको पहचाना गया द नेबरिंग रूलर्स एक्सेप्टेड हिज सर्जनिटी सर्जनिटी होता है लॉर्डशिप कि उन्होंने उसको मान लिया था उनके रूल को मान लिया था तो इतना डर बैठ गया था लोगों में कि जो आसपास के नेबरिंग रूलर थे उन्होंने उनकी सोजनिटी एक्सेप्ट कर ली थी ओवर लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली थी ही स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना एंड सेंट एन एंड वे टू द चाइनीज कोर्ट इन सिक्स फोर्टी वन एडी चाइनीज मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन

हून सैंग जैसे फाहिन एक चाइनीज़ ट्रैवलर था ठीक है ऐसे ही ह्यून एक चाइनीज़ पिलग्रिम था जो इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आया था एंड टू कलेक्ट ओरिजिनल बुद्ध टेक्स्ट एंड विजिट मुद्द होली प्लेसेस ही स्पेंट 15 ईयर इन इंडिया 15 साल इंडिया में रहा ही ऑल्सो स्ट्रेड एट हर्ष कोर्ट फॉर सम टाइम और कुछ टाइम हर्ष के कोर्ट में भी रहे Later, he travelled widely throughout the country and visited various places in Assam, Kashmir, Nepal, Bodh Gaya, Priyag, Varanasi, and Kanchi. He also visited Buddhist monasteries and shrines many of which were in Ryun or Bosari shrines whose time par hoti thi, monasteries Otiiti Wobiunone visit ki jo is time Sang wrote a detailed account of his experience in India and compiled them in his book called C U K. विच मैंट बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इन्होंने जो भी इन्होंने देखा ठीक है जो भी इनको समझ आया वो सारे एक्सपीरियंसेस इंडिया में जो इन्होंने मिले इन्होंने एक बुक में कंपोज किए हैं उस बुक का नाम है सी यू के दिस बुक प्रोवाइड्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द सोशो इकोमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन दैट पीरियड उसके अलावा बान भट्ट हर्ष चरिता एंड अदर वर्क क्वाइंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज डे इज़ ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल उसके अलावा एक तो बुक है फाहिन की ठीक है हिन्सांग की सी यू की उसके अलावा बान भट्ट की हर्षचरित और उसके अलावा जो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन मिले हैं उस टाइम में जो हर्षवर्धन का जो रूल था वहाँ जो लोगों की कंडीशन थी उसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं नाउ हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन एज पर ही हर्ष वाज़ अ जस्ट एंड बिन रूलर

पूरे एम्पायर को इन्होंने अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था और अलग अलग गवर्नर के अंडर प्लेस किया हुआ था हु पेड इन जागीरस और लैंड जिनको सैलरी के बदले जागीर या फिर लैंड ग्रांट मिलती थी इन रिटर्न दे प्रोवाइडेड मिलिट्री हेल्प टू द किंग वैन एवर रिक्वायर्ड और उसके बदले जब भी किंग को मिलिट्री हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो वो प्रोवाइड करनी होती थी इट वॉज काइंड ऑफ फ्यूडलिज्म दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एज ये एक फ्यडलिज्म का टाइप है ठीक है जो उस टाइम यूरोप में काफ़ी पॉपुलर था हर्षाज पीनल कोड वॉज सर्व इन सम क्राइम्स डेथ सेंटेंस वॉज ऑल्सो एवॉर्डेड ही मेंटेन अ स्ट्रोंग आर्मी विच इंक्लूड इंफेंट्री कैवलरी एलिफेंट एंड बॉर्ड्स नाउ दिस इज द हर्श एम्पायर ठीक है एक्सटेंट ऑफ हर्ष एम्पायर कहाँ तक हर्ष का एम्पायर जो था वो फैला हुआ था नाउ Next hai, revenue and welfare measures. Land revenue was the main source of tha, income ka, that was collected at the rate of one sixth of the total. Yield. The merchants and craftsmen also had to pay taxes. The revenue so collected was spent on administration, welfare measures, religious donations, and land awarded to sages and learned men. Hospital or rest house maintained although roads were not very safe and robberies were frequent. ट और उस टाइम रोड जो थे वो सेफ नहीं होते थे ठीक है ट्रेडर्स के साथ काफ़ी रोबरीज हो जाती थी ठीक है तो यानी लूट लूट उस टाइम पर काफ़ी फ्रिक्वेंट होती थी सोशल लाइफ The people were simple, honest, and hospitable. They were generally vegetarian. They wore untailored garments and walked barefoot. ठीक है untailored यानी बिना सिले हुए कपड़े वो पहनते थे और नंगे पैर रहते थे The rich lived in the rich lived in big houses made of bricks, while the poor lived in thatched houses made of mud. And there was a high sense of cleanliness among people. और उस time साफ सफाई को लेकर लोग काफी जागरूक थे Now next is really reason. इनिशियली हर्ष वर्शिप शिवा एंड सूर्या लेटर ही एम्बेस्ड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म ही कोल्ड स्पेशल असेंब्लीज ऑफ बुद्धिस्ट मोंग टू पब्लिसाइज द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द माहयान सेक्ट सबसे पहले इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में हर्ष जो है वो हिंदुज़म के फॉलोअर थे ठीक है भगवान शिव और सूर्य की वो पूजा करते थे लेकिन धीरे धीरे महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़म की तरफ उन्होंने फोकस किया और बुद्धिस्ट मोंग की वो स्पेशल असेंब

Priests, orphans, and the destitutes. Now, next is literature and education. Harsh was a learned scholar and a great patron of learning. He wrote three Sanskrit plays: Ratnavali, Priyadarshika, and Nagananda. Jinhone teen Sanskrit play likhe. His court was adorned with scholars like Bhanpat, Dandin, and Sabandhu. बान भट्ट हर्ष चरिता इज़ अ फेमस बायोग्राफिकल वर्क ऑन हर्ष लाइफ एंड सर्ज एज अ यूजफुल सोर्स मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ दो स्टेज हर्ष चरिता जिसमें काफ़ी हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वहाँ लोगों का सोशल स्टेटस कैसा था इकोनॉमिक क्या थी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी जिसको डिस्क्राइब किया गया है अनदर ऑफ इस वर्क इज़ कदम्बरी और दूसरा क्या है कदम्बरी Harsh gave liberal finances grants to the university at Nalanda, which was a famous centre of higher education and Buddhist learning. Subjects like literature, philosophy, mathematics, science, astronomy, and religion were taught here in Sanskrit medium. Students Joke India kear kone say se, Asia Sebi student, Padneate kahapar, Nalanda University. Okay. Now, as its peak, Nalanda had nearly 10,000 students and 15. 100 highly qualified teachers students were provided free education boarding and loading and rahul Bhadra was the head of the university hyunsang also studied here for five years the university remained a famous center of learning till the 12th century when it was destroyed by muslim army led by Bhaktiar khilji in 1193 Taptak nalanda university coffee famous point of learning Raha hai, and Takshila, Ujjain and Gaya were other famous universities of this time. Harsh is regarded as the last great Hindu ruler of India. After his death, his kingdom declined rapidly. Now here is a quick re recap of the chapter. Prabhakar Vardhan was the ruler of Thaneshwar near Kurukshetra in modern Haryana. Harshvardhan, the younger son of Prabhakarvardhana, ascended the throne of the tender age of sixteen. He moved his capital from Thaneshwar to Kannauj. Harsh ruled for forty-one years and established a mighty empire. Sang, the Chinese pilgrim, stayed at Harsh court for some time. Accounts of Sang, Banpat, Harsh other literary works, and some archaeological sources provide us information of those times. And Harsh was a just and benevolent ruler. His penal code was more so than that of the Guptas. Land revenue and taxes on merchants and craftsmen were the sources of revenue. People were simple, honest, and hospitable. The caste system was very rigid untouchability was practiced Hinduism Buddhism and Jainism were the chief religions initially harsh worshipped shiva and surya later he embraced buddhism Harsh was a learned scholar and patron of learning. He gave liberal grants to the University of Nalanda. So, this is the chapter, Vachri. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.